स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेमेट्री स्कूल डॉट इन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ, और हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी सैनिक की और अपकमिंग एग्जाम ऑन 15 जनवरी, उसके लिए जीके प्रीमियम मॉक हम यहाँ पर करा रहे हैं। जो एग्जाम अब होने वाला है 15 जनवरी को फॉर 6th क्लास और 7th क्लास, यहाँ हम आपको कराएंगे जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, मॉक टेस्ट 1 कल अपलोड हो चुका है, आज है मॉक टेस्ट 2 की बारी, जहां मैं आपको जनरल साइंस और जीके के मिक्स 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाली हूँ। ये वीडियो 6th क्लास प्लस 7th क्लास दोनों के लिए ही बहुत यूजफुल होने वाला है। सो बच्चों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह का अगर आपका फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बच्चों, आप मुझे वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको इनमें से 50 क्वेश्चंस में से कितने आंसर आज आपके यहाँ पर करेक्ट आए हैं या कितना स्कोर आज आपने किया है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे, और सारे नहीं तो आपको बिल्कुल मान के चलिए 50 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन बिल्कुल इसी लैंग्वेज में ऐसे ही आपको अपने मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विदाउट एनी डिले। स्टूडेंट, अगर आप 15 जनवरी तक अभी तक अपनी तैयारी से सेटिस्फाई नहीं है और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्योमेट्री हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको तैयारी कराएंगे बिल्कुल कंप्लीट ईयर फॉर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इवन यूपी सैनिक के लिए भी आप हमारा निश्चय बैच यहां पर स्टार्ट होगा। जो यूपी सैनिक के लिए बैच स्टार्ट हुआ है वो है निश्चय बैच। RIMC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका टारगेट बैच, सफलता बैच फॉर RMS एंड कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। बच्चों, 25 सीट्स ही अवेलेबल है, और साथ ही आपको यहां पर पेरेंट्स के साथ आइए और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, जिससे हम ये पता लगा सके कि अभी आप कहां स्टैंड करते हैं। बिल्कुल बेस्ट हॉस्टल है फॉर योर प्रिपरेशन, बहुत तरीके से तैयारी कराई जाती है। 8 to 5 PM आपको क्लासेस दिया जाता है, साथ ही इसमें मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं आपके। एवरी थर्सडे और संडे हम यहां पर महा मॉक कंडक्ट करते हैं। प्रॉपर हाइजेनिक फूड आपको अवेलेबल होगा, एक बार आप स्कूल आके जरूर विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, आप यहाँ पर हॉस्टल में नहीं रहना चाहते या घर रहकर ही लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं अपने घर पर ही, तो आप हमारी ऐप के थ्रू यहाँ पर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करें, और यहाँ पर आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए अपना डेमो बुक कर सकते हो। फर्स्ट क्लास आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप देख सकते हैं कि टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पहले हम लेक्चर को कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम आपका डेली मॉक कंडक्ट करते हैं, जिससे जो टॉपिक आज पढ़ा है वो आज के आज ही लर्न हो जाए। और अगर आप हॉस्टल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो तो ज्योमेट्री हॉस्टल आपके लिए रेडी है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। हॉस्टल की हम बात करें तो सबसे मेन जो इशू आता है बच्चों को यहाँ पर, जो पेरेंट्स को आता है, वो फी को लेके आता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है हमारे हॉस्टल में कि यहाँ पर आपको 1 ईयर डायरेक्ट प्लान लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम मंथली ही यहाँ पर अफोर्ड कर पाएंगे तो आप पर मंथ फी सबमिट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। अगर आप आने से पहले एक बार कॉल करना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पर डायरेक्टली इस लिंक को डालें, www.geometryschool.in, और यहां पर आपको आप हमारी कंप्लीट वीडियोस, फ्री लेक्चर्स, फ्री क्विजेस सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरह हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और 1 to 50 तक का अपना रिकॉर्ड तैयार करिए कि 1 का ऑप्शन अगर ए है, 1 का यहां पर बी है, आप अपना रिकॉर्ड लगाते हुए चलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि टोटल 50 में से आपके कितने मार्क्स आए। और बच्चों, ये वीडियो 6 plus 7 दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, यूपी सैनिक के लिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर किस एग्जाम के लिए बनाया गया है, यूपी सैनिक के लिए, जो 15 जनवरी को है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर लगाइए और फिर मुझे बताएंगे आपके कितने करेक्ट निकले। द स्काई अपीयर ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ, जो हमें स्काई हमारी अपीयर होती है मून से, जब मून पर लैंड करते हैं तो जो स्काई यहां पर हमें अपीयर होती है तो बेसिकली वो कैसी नजर आती है, ब्लैक। तो इसका रीजन क्या है, लैक ऑफ एटमोस्फेयर, लैक ऑफ क्लाउड, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ दीज। तो क्या करेक्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी मून पर एटमोस्फेयर नहीं है इसलिए वहां से स्काई देखने पर कैसी लगती है, ब्लैक कलर लगती है, कोई एटमॉस्फेयर वहां नहीं होता है तो जिसकी वजह से कलर का अपीयरेंस नहीं होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन हुआ करेक्ट। तो ए इज करेक्ट, आई होप आपका भी ठीक होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? बच्चों इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिकली केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज हमारे परमानेंट चेंज होते हैं। परमानेंट चेंज मतलब जिनको आप इररिवर्ट नहीं कर सकते, तो दे आर इररिवर्सिबल। एक बार जो यहाँ पर चीज पक गई वो पक गई, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये परमानेंट होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं और इनमें ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर बेसिकली ये एक होते हैं हमारे फिजिकल चेंज हमारा टेम्परेरी होता है, आप उसे वापस से कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं। और दूसरा उनमें नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो पानी का भाप बनना, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बोल्स, आपकी जो फिनाइल की गोलियां होती हैं वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट सॉलिड से गायब हो जाती हैं, गैस बन जाती है, उड़ जाती हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, और कंडेंसेशन ऑफ वेपर, वेपर का वापस से पानी के फॉर्म में या क्लाउड्स बन जाना। तो इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जिसे आप रिवर्ट नहीं कर सकते? योर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध की दही बनाना इज योर केमिकल चेंज। जहां पर दूध का दही बन गया उसका जो लैक्टोज शुगर है अब किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। तो अब उसकी वापस से आप लैक्टोज शुगर नहीं बना सकते, दही का आप वापस से दूध नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर केमिकल चेंज है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर वाज इन्वेंटेड बाय? न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम यूज करते हैं, मॉडरेटर बनाने में हम उसका ग्रेफाइट लगाते हैं उसके अंदर नॉन मेटल। तो जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आते हैं, फिजन और फ्यूजन में, तो उसकी खोज किसने की थी? जेम्स वॉट, एलेजेंड्रो वोल्टा, ब्रॉकेट या एनरिको फर्मी? तो करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन, एनरिको फर्मी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू? बेसिकली जो लाइट ईयर है वो किससे रिलेटेड है? एनर्जी से, स्पीड से, डिस्टेंस से या इंटेंसिटी से? तो बेसिकली जो आपका लाइट ईयर होता है वो आपकी हेवनली बॉडीज का, आपको पता है जो कैलेस्टियल बॉडी होती है, हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं जैसे कि प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, इन सब की स्टडी हम करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, और ये हमसे बहुत दूर हैं। तो इनका डिस्टेंस हम किस यूनिट में नापते हैं? लाइट ईयर यूनिट में, 1 ईयर, 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर। तो ये किस लिए नापने में काम आता है? बेसिकली ये हेवनली बॉडीज की दूरी नापने के लिए यूनिट यूज की जाती है, कि ये कोई सन अगर हमसे कितना दूर है तो 60 लाइट ईयर डिस्टेंस हुआ, तो हम इसे किस में नापते हैं? लाइट ईयर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके यूपी सैनिक के लिए, ऐसे क्वेश्चन RMS और यूपी सैनिक में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां पर सी करेक्ट ऑप्शन है और इसके लिए आप इसको बिल्कुल इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। When does lunar eclipse happen? Basically, lunar eclipse क्या होता है? चंद्र ग्रहण, जब आपके चंद्र को ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सूरज और जब यहाँ पर चंद्र के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है पूरी तरह से और उसकी शेडो नहीं बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। तो ये कब होता है? जिस दिन होता है आपका फुल मून या पूर्णिमा की रात जो होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण ज्यादातर कब लगते हैं? पूर्णिमा को लगते हैं, जब पूरा चांद होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है बच्चों? दीज आर द हार्मफुल गैसेज दैट इफेक्ट द ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट करती है। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में जो नहीं पूछा है उसको हाईलाइट कर लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन, तो कौन सी नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज योर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज योर इनर्ट गैस, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना इफेक्ट नहीं डालती है। 78% होती है, मोस्ट अबेंडेंट गैस भी है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारे एटमोसफेयर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप जो होते हैं, आपने ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप सुने होंगे, A, AB, B एंड O ब्लड ग्रुप। आप जानते हैं ए बी हमारा कैसा ब्लड ग्रुप है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो क्या कर सकता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है, और जो हमारा ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, जो डोनेट कर सकता है सबको। तो ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ये 4 A पॉजिटिव, A नेगेटिव, फिर इनके वेरियंट होते हैं। तो ये किसने बताए थे सबसे पहले? कार्ल लैंडस्टीनर, पॉल विंचिल, हेनरी बैक्यूलर, रॉबर्ट पियरी। तो करेक्ट आंसर इज के लैंड स्टीनर और कार्ल लैंड स्टीनर इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन में 4 ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी थी। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
वाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर? बेसिकली जो आपको लीव्स हैं, पत्तियां, वो क्यों किस कलर की दिखाई देती है? तो वो तो हो गया ग्रीन, और इसका कारण क्या है? तो वाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जाइलम टिश्यू, या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली जो आपका ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अ पिगमेंट, यहाँ पर लीव्स में होता है कौन सा, जो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई देती है। तो कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट आपको नजर आता है पत्तियों में? क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट बच्चों क्यों होता है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फूड बनाता है प्लांट के लिए, जिस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन इज द लॉन्गेस्ट? हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इनमें से क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फेमर बोन, या लंग्स? तो सबसे लंबा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है, वो क्या है बच्चों? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ 6 to 7 meter लॉन्ग। ये स्ट्रक्चर होती है जो आपकी फेमर बोन होती है, वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, पर सबसे बड़ा पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ 37 to कुछ inches की होती है, सेंटीमीटर्स में होती है बेसिकली। लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, कौन सी? वो भी छोटी आंत जिसको कहते हैं, वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा मुड़ी तुड़ी है, इसलिए वो 6-7 meter लंबी होती है अगर आपसे खोलेंगे। तो सबसे लंबा पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड इज नोन एज? अपने ही जैसे जीवों को उत्पादन करना या जीवों को प्रोड्यूस करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी एलिफेंट है तो वो अपने ही जैसे बेबी प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह मंकी बिल्कुल अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉग अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अपने ही जैसी ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, या ऑल आर करेक्ट? तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे जीवों को बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। री मीन्स दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। तो अपनी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? टू मेंटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी, अपनी अपनी जीवों की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू टाइनी प्लांट अराइज फ्रॉम अ सीड इज नोन एज डैश। तो जो एक छोटा सा सीड में से नया पौधा निकलता है, उस नए पौधे को हम बेसिकली क्या कहते हैं? तो ये जो छोटा सा पौधा अराइज हुआ है, ये क्या कहलाता है? जर्मिनेटिंग प्लांट, टाइनी प्लांट, और सीडलिंग। तो इस छोटे से पौधे को एक प्रॉपर टर्म दी जाती है, छोटा पौधा तो हम इसको कहते हैं, सीडलिंग का मतलब एक छोटा सा पौधा, लेकिन इसके लिए प्रॉपर टर्म है, टर्म जो यहाँ पर है वो है सीडलिंग। तो नया पौधा जो अराइज होता है बीज में से, उसे क्या कहा जाता है? सीडलिंग। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि वो जर्मिनेट भी हुआ है, छोटा भी है, लेकिन प्रॉपर वर्ड उसके लिए क्या है? सीडलिंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू पुट एग इन फ्रेश वाटर इट विल, अगर आपके पास एक फ्रेश वाटर है, मीन्स उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, और उसमें आप एक एग को डालते हो, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? द एग विल सिंक इन टू इट। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर? आपके वाटर की जो क्या है, एग की डेंसिटी ज्यादा होगी, एग का वेट यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, जितने पानी को यहाँ पर काटते हुए निकलेगा, तो इसलिए क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। तो क्या होगा अगर फ्रेश वाटर में हम एग को डालते हैं? तो इट विल सिंक। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। द सोल्ट वाटर हैज डैश डेंसिटी देन नॉर्मल वाटर। अभी हमने बात करी नॉर्मल वाटर की, अब मैं इस पानी में बहुत सारा सोल्ट मिला देती हूँ, नमक मिला देती हूँ, तो अब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? हाइयर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल वाटर से जो सोल्टी वाटर होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए जब आप सोल्टी वाटर में एग डालोगे तो वो ऊपर ही क्या करेगा? फ्लोट करता रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब डेंसिटी किसकी बढ़ चुकी है? नमक में क्या बढ़ चुका है? मास बढ़ चुका है। किसका? नमक का। तो इस समय में वॉल्यूम में क्या हो गया? मास ज्यादा हो गया है। किसका? नमक का। तो डेंसिटी होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप जिस सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट ऐड करने पर पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब अंडा डालोगे तो वो सिर्फ फ्लोट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो सॉल्ट वाटर की डेंसिटी क्या होती है? हाइयर होती है देन नॉर्मल वाटर से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, RIMC में पूछा जा चुका है, RMS में पूछा जा चुका है, तो इट मीन्स अब इसका नंबर UP सैनिक में लगने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली मार्क करके जाए।
और जल्दी से मुझे इसका आंसर भी बता दो, डायनेमो, क्रेस्कोग्राफ, फेदोमीटर या काइरोमीटर। तो बेसिकली ये बोट और शिप पे लगाया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। तो फेदोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। किसी भी समुद्र की गहराई आपको नापनी हो तो आप वहां पर कूद कर नहीं देखेंगे, उसमें आप कैसे देखेंगे, बाया फेदोमीटर एक टीवी लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इसकी गहराई को नाप सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओशन की गहराई को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेदोमीटर। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। आपको पता है हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड आपका कौन सा, जो इनसोल्यूबल है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द सोल्यूबल फॉर्म। तो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन, और यही कहलाती है बॉडी में पाचन क्रिया। तो क्या कहते हैं बच्चों इसको, हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड का टूटना इनटू द सिंपल सोल्यूबल फॉर्म, उसे कहते हैं डाइजेशन। और ये कहाँ होता है ये प्रोसेस, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और क्या भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ होता है ये पूरा प्रोसेस, एलिमेंट्री कैनाल में। जैसे कि माउथ में हमने खाना लिया, माउथ के बाद वो आपका फूड पाइप में गया जिसको ईसोफेगस कहते हैं, उसके बाद वो स्टमक में गया, उसके बाद उसको जाना है फर्दर डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बचा हुआ वेस्ट फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाद में एनस के थ्रू फूड गार निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो ये हो गई आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर, डाइजेशन, फूड का ब्रेक डाउन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेशन। तो बच्चों ह्यूमन डाइजेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो होता ही है, साथ में तीन ग्लैंड भी यूज होती है। ग्लैंड क्या होती हैं, जो अपना सीक्रीशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे लीवर आपने सुना होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस, जो क्या करता है, फैट का डाइजेशन। तो बाइल जूस का हम इस्तेमाल करते हैं फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो एक तो आपको पता चल गई लीवर पक्का ग्लैंड है, इसके अलावा और कौन सी ग्लैंड है जो डाइजेशन में या पाचन क्रिया में हेल्प करती हैं, तो वो है एक हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिससे मुंह में लार आती है, जिसको सलाइवा कहते हैं। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो मैंने अभी बताया है, और पैंक्रियास सिक्रीट करती है पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करती है, पैंक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम आपके फूड को तोड़ने में काम आते हैं। तो आपकी बॉडी में तीन ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास। तो बी हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिंग रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप इसी साल आ जाएगा, तो आप इसको यूपी सैनिक 2023 के लिए रेडी करके जाएं। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि सब एग्जाम में आ चुका है, यूपी सैनिक में अभी देखने को नहीं मिला। तो सिल्क वर्म को पालना किसके लिए, सिल्क के लिए, आप सिल्क को पालते हैं, सिल्क मोथ एग ले करती है, जिससे फिर क्या किया जाता है, सिल्क बनाया जाता है। तो सिल्क बनाने के लिए जब हम सिल्क वर्म को पालते हैं लार्ज स्केल पर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पिशिकल्चर, एपिकल्चर, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सिल्क वर्म को पालना सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, और सिल्क वर्म जब अपने कौन सी स्टेज में जाता है, ककून। तो कोई पूछे अगर कि सिल्क आपको किस स्टेज में मिलता है, तो ये मिलता है हमें ककून स्टेज में। तो यहां से हम ककून से तो सिल्क का धागा ले लेते हैं, और इसमें से फिर सिल्क मोथ जो होता है वो उड़ जाता है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, द सीपिंग ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड। जब बारिश होती है, और बारिश होने के बाद या कोई भी पानी जब धीरे धीरे से ग्राउंड में एंट्री करता है, नीचे चला जाता है पत्थरों में, और हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा देता है, तो जो पानी का धीरे धीरे पत्थर के नीचे रिसना या जमीन के नीचे रिसना, क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या परकोलेशन। तो करेक्ट आंसर इज परकोलेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बनना, और भाप का बारिश बन गया, भाप का दोबारा से बादल बनना, कंडेंस होकर उसकी वापस से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाना, कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड चीज का डायरेक्ट गैस बन के निकल जाना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था नेफ्थलीन बोल्स जो होती हैं आपकी, तो नेफ्थलीन बोल्स आप क्या करते हैं, सर्दियों के कपड़ों में रखते हैं, और गर्मियों तक वो गायब हो जाती है, बस उसकी स्मेल बच जाती है। तो किसी भी सॉलिड चीज का डायरेक्ट भाप बन जाना, डायरेक्ट गैस बन जाना, सब्लिमेशन कहलाता है। और परकोलेशन क्या होता है, पानी का जमीन में सीप करते हुए निकल जाना, इज नोन एज परकोलेशन। तो डी यहां पर हो गया करेक्ट आंसर।
बच्चों, अगर आप लाइव बैच में तैयारी करना चाहते हैं तो टॉपर्स प्रो बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक के लिए, जो कि हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं नए बैच, और टॉपर्स प्रो है हमारे सैनिक स्कूल के लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए, तो हमारा अचीवर बैच इसके लिए है, जिसको आप घर रहकर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन बैच है, जिसके लिए बच्चों आपको हॉस्टल में नहीं रहना होगा, आप अपने घर पर ही रहकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप IMC के लिए ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर रहकर, तो हमारे रैंकर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो जून RIMC के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों, ये आप हमारे ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर अपने भाई बहन को आप तैयारी कराना चाहते हो तो ये हमारे ऑनलाइन बैच है। चलिए देखते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। किस प्लैनेट को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? तो वीनस। वीनस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, RMS में आ चुका है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आ चुका है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम का और RMS एग्जाम का। तो रेडी हो जाइए, क्या पता यूपी सैनिक इसको इस बार लेके बैठे हो। ये क्वेश्चन वैसे भी वीनस को लेके आता ही है, कि किसको और घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। तो मॉर्निंग में आप इसे देख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार को एज अ देख सकते हैं, और शाम को भी आप इसको देख सकते हैं। इसलिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार काफी ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, क्योंकि वीनस हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। तो वीनस को आप कहते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा। आगे चलते हैं, द वेव प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। आपको पता है अर्थ की सरफेस, अर्थ की क्रस्ट लेयर जो होती है, सबसे ऊपर की सतह जो होती है, उस पर आपके अर्थक्वेक आते हैं। और अर्थक्वेक कब आते हैं? जब उस पर वेव्स, झटके लगते हैं, मतलब कि ट्रीमर जनरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट, जो हमारे अर्थ डस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो यही जो वेव्स आती हैं, ये वेव्स क्या कहलाती है? रेडियो वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेस्मिक वेव्स और ट्रांसवर्सल। तो बेसिकली जो आपके झटके होते हैं भूकंप के, उनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। और वो कहां पर ज्यादा आती हैं? सेस्मिक फोल्ड जोन्स में। जैसे कि आपको पता है जापान हमारी मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ पर आते हैं। तो इट मींस वहां पर सेस्मिक फोल्ड जोन सबसे ज्यादा है, टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड कर जाती हैं, कोलिजन, वैसे ये फंसी रहती हैं लेकिन आपस में मूवमेंट होने की वजह से ये टकरा जाती हैं, तो उन वेव्स को कहा जाता है सेस्मिक वेव्स। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है उनको क्या कहते हैं? सेस्मिक वेव्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इंसेक्ट रिलीज केमिकल कॉल डैश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपको पता है आपने कभी इंसेक्ट्स की आवाज नहीं सुनी है, लेकिन आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स भी आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं। तो वो आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए केमिकल या हॉर्मोन टाइप सब्सटेंस रिलीज करते हैं, या सेंट हॉर्मोन्स हम उनको बोलते हैं, उनकी सेंट ग्लैंड में से ये हॉर्मोन निकलते हैं। तो बेसिकली इन्हें क्या कहा जाता है? एंटीविनिंग पैरोफेरोमोन्स, हॉर्मोन्स या केमिकल्स। तो बेसिकली जो यहाँ पर केमिकल रिलीज होते हैं, जो जानवर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी सैंड ग्लैंड से निकालते हैं, तो उन केमिकल्स को कहा जाता है फेरोमोन्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डैश इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। पूरे मैमल आप जानते हैं हमारा, तो मैमल्स क्या होते हैं? जो अपने बेबी को नरिश कराते हैं, एग ले नहीं करते हैं, मोस्टली वो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने बेबी को अपने मिल्क से नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैमल में पूरे वर्ल्ड में इनमें सबसे छोटा मैमल क्या है? कॉडियक बियर, बम्बल बी बैट, डिंगोज या डेजर्ट लार्क। तो जो बम्बल बी बैट होती है, चमगादड़, वो भी कौन सी? बम्बल बी, मक्खी के साइज की हम यहाँ पर बात करें, छोटा साइज होता है, मक्खी से तो बड़ी होती है। तो यहाँ पर बम्बल बी बैट आपकी सबसे छोटा मैमल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जीके का अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी स्टैटिक जीके में। दिस कॉमन फ्लाई हैज वन पेयर ऑफ प्रॉपर विंग। इसके पास एक ही पेयर का प्रॉपर विंग होता है दोनों तरफ। तो ये कौन सी फ्लाई है, और जो 7 किलोमीटर पर आवर में उड़ सकती है? तो वन पेयर ऑफ विंग आपने किसमें देखा है? लेडी बर्ड में, गोलियत बीटल में, हनी बी में या हाउस फ्लाई। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने अपने घर में जो मक्खी देखी है, आप उसको कभी ध्यान से देखना, तो इट हैज अ वन पेयर ऑफ विंग। इसके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ विंग होता है, डबल नहीं होते, जैसे बटरफ्लाई में इस तरह से आपको यहाँ पर डबल मिलेंगे, ये हो गया आपका दो पेयर, लेकिन इसके पास क्या होता है? वन पेयर, इस तरह से एक ही पेयर होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और बहुत तेजी उड़ती है, 7 किलोमीटर तक जा सकती है 1 घंटे में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू स्पेंड अ रिकॉर्ड ऑफ 195 डेज इन स्पेस इन 2007। 2007 में स्पेस में, सबसे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली प्रथम महिला, कितने दिनों का? 195 डेज। कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स। एंड अकॉर्डिंग टू यू द करेक्ट आंसर इज सुनीता विलियम ने सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष में रह के 195 डेज का। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर फॉर कमर्शियल यूज, लार्ज स्केल पर जब हम सब्जियों को उगाते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, फूलों को उगाते हैं डेकोरेशन के लिए, तो ये क्या कहलाता है? एपिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहां पर द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स और फ्लावर एट लार्ज स्केल इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। एपिकल्चर में हम बच्चों किसको पालते हैं? हनी के प्रोडक्शन के लिए हनी बी को। विटिकल्चर में हम पालते हैं ग्रेप वाइन्स को, पालना नहीं उगाना। हम यहां पर क्या करते हैं? अंगूरों की बेल लगाते हैं बियर प्रोडक्शन के लिए या किशमिश बनाने के लिए, तो विटिकल्चर। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ग्रीनरी को उत्पादन के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर करेक्ट आंसर हो गया हॉर्टिकल्चर। आगे देखते हैं, लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश, अभी एपिकल्चर मैंने आपको बता दिया है बच्चों हनी बी के लिए। अब यहाँ पर मछलियों को बड़े स्केल पर पालना, उनके एग्स के लिए, उनके लीवर कॉइड ऑल के लिए, मीट के लिए, तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर हम मछलियों का उत्पादन करते हैं लंबे लार्ज स्केल पर इनको पालते हैं, तो एपिकल्चर हो गया हनी बी के लिए। एनिमल हस्बेंड्री में हम पालते हैं लाइव स्टॉक को, जैसे आपके कैटल्स होते हैं, बफेलो, काओ, गोट, शीप, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ऑप्शन है, तो बच गया क्या हमारा? पिशिकल्चर। और मछलियों के पालने को कहा जाता है पिशिकल्चर, क्योंकि जो हमारी फिशेज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पाइसेस। और पाइसेस का क्या मतलब हो गया? पिशिकल्चर, मछलियों का पालना पिशिकल्चर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी ईयर एक कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते तो हम आपको सारी पढ़ाते, जितने भी 500 तक नेशनल पार्क हमने बच्चों को कराए हैं, तो लेकिन हम यहाँ आपके लिए यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट वन लेके आए हैं बिल्कुल। तो जल्दापारा पूछ ली जाती है बच्चों केरला, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो जल्दापारा कहाँ पर है बच्चों? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी थ्री डेफिशिएंसी लीड टू द कंडीशन कॉल्ड। बेसिकली विटामिन की हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं B1, B3, B6, B12, इनके विटामिन का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो B1 अगर आपको हो जाता है, B1 की कमी हो जाती है, तो आपने सुनी होगी बेरी बेरी, तो बेरी बेरी तो यहां पर वैसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि हमें बात करनी है B3 की। और B3 ब्लड लॉस और ब्लड क्लोटिंग आपकी होती है विटामिन के की वजह से, तो ये भी हम नहीं आंसर। पेलेग्रा, पेलेग्रा बेसिकली 3DB कहलाती है, इसमें आपको डर्मेटाइटिस, स्किन की एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्किन एलर्जी रहने दी, इसको कहा जाता है पेलेग्रा कंडीशन। तो अगर B3 की आपकी बॉडी में कमी है तो आपको कौन सा सिम्टम हो जाएगा यहाँ पर, कौन सी डिजीज हो जाएगी? पेलेग्रा। और डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी। तो विटामिन B3 की कमी है तो क्या कंडीशन जनरेट होती है? 3D की या पेलेग्रा हम इसको बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड टूथ डी के, जब हमारे दांत सड़ जाते हैं या क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होने लगती है, जिसको हम बेसिकली क्या भी कहते हैं? स्कर्वी, जिसमें आपकी यहाँ पर क्या होता है? विटामिन सी की कमी हो जाती है, तब आपके गम्स में से ब्लीड आता है, लिप्स में से ब्लीड आता है। तो बेसिकली जब आपके गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एक बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से आपके टीथ हिलने लगते हैं, गंदे से रहने लगते हैं, स्मेल आती है, तो ये क्या कहलाती है? फ्लेरिया, प्लेग, पायरिया या मिजाइलिस। तो दांतों में बच्चों क्या लग जाता है? दांतों लग जाता है पायरिया, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में खून आता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? पायरिया। सी इज द करेक्ट आंसर। RIMC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों ये आपका यूपी सैनिक में। चलिए आगे देखते हैं, द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। इंडिया में यह हमारा राष्ट्रीय साइंस, जो हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? मार्च 1, अप्रैल 21, फरवरी 28 या जून 23। तो बेसिकली ये बनाया जाता है CV रमन की बर्थ एनिवर्सरी पर। क्यों? इन्होंने क्योंकि एक इफेक्ट जनरेट किया था, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे रमन इफेक्ट, तो इसीलिए एवरी ईयर 28 फरवरी को हम अपना साइंस डे भी मनाते हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था CV रमन को। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? सी 28 फरवरी या फरवरी 28। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ, इट कैरीज आउट ऑल द फंक्शन। बेसिकली हमारी ये लीफ होती है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, मोस्ट ऑफ द फंक्शन यहीं से परफॉर्म होते हैं। फोटोसिंथेसिस का हो गया, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपका क्या कहलाता है? वेन्स, पेटियोल, लेमिना या वेंटिकुलर। तो करेक्ट आंसर इज लेमिना। लेमिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ दैट कैरी आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीफ। बेसिकली लीफ का हमारा फूड फैक्ट्री भी कही जाती है, किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, जो क्या करती है? फूड बनाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं,
फ्रॉम विच सोर्स डज ऑल द एनर्जी इन द फूड चेन ओरिजिनेट. फूड चेन बेसिकली क्या होती है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपके प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, उनको फिर कौन ले लेते हैं, हर्बीवोरस ले लेते हैं. हर्बीवोरस को फिर कार्निवोरस खा लेता है. इस तरीके से आपका कार्निवोरस फिर आपके डिकम्पोज हो जाते हैं. तो ये चेन आपकी फूड चेन जो है चलती रहती है. इसी सीधी सीधी चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन, आपका खाद चेन जो होती है, ठीक है, खाद जाल जिसको कहा जाता है. तो इसमें प्लांट सबसे पहले हमारे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये सबसे पहले खाना बनाते हैं. लेकिन इनको भी खाना बनाने के लिए एक एनर्जी सोर्स की जरूरत है, और वो एनर्जी सोर्स का क्या है, प्लांट, सन, मून या इलेक्ट्रिक सप्लाई. तो प्लांट अपना खाना कब बना पाते हैं बच्चों, जब इन्हें सनलाइट से, यहां से सनलाइट इन पर पड़ती है, तो ये अपना कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो किसी भी एनर्जी के लिए, क्योंकि प्लांट खा के हर्बीवोरस डियर को एनर्जी मिली, डियर को खा के लोयन को एनर्जी मिली, लेकिन इन सब का प्राइमरी सोर्स कौन है, तो यहां पर जो हमारा इसका प्राइमरी सोर्स तो है वो तो सन ही है ना, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी कहां से आई है, सन से आई है. तो जो सबसे प्राइमरी सोर्स है, ओरिजिनेट है चेन, फूड चेन में, वो क्या है, सन. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, घुमा फिरा के कैसे भी आए आपको याद भी रखना है कि प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का वो है सन, क्योंकि सन सबसे पहले एनर्जी लिबरेट करता है अर्थ के लिए, उसी के बाद यहां पर हम इस एनर्जी को फॉर्म कर सकते हैं इनटू द अनदर फॉर्म. इसलिए कहा भी जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है. इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं. इसीलिए ये यहां पर बात बताई गई है एनर्जी के लिए. तो बी हो गया यहां पर करेक्ट आंसर. सुंदरबन इज सिचुएटेड, सुंदरबन डेल्टा बच्चों कहाँ बनता है, जहां गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं और सुंदरबन डेल्टा भी बनाती हैं. उसी डेल्टा पर आपका बहुत अच्छा वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है. ये वेजिटेशन कहाँ बनता है सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल. तो इसका भी आंसर क्या है, वेस्ट बंगाल. तो पूछ लिया जाता है जो सुंदरबन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में. और यह याद भी रखना है सुंदरबन डेल्टा भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में. तो बी इज द करेक्ट आंसर. फॉर डिटेक्ट एनिमीज प्लेन, अगर कोई भी एनिमीज का जेट प्लेन आ रहा है और आपको उसको अप्रोच करना है कि कोई भी देश हम पर हमला तो नहीं कर रहा, तो आप किसकी मदद से करेंगे, नून, सोनार, मडार या रडार. तो बेसिकली ये कैसे होता है, किसी को भी हम यहाँ पर रेडियो वेव से खुद, तो रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग के माध्यम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी अप्रोचिंग प्लेन का पता लगा सकते हैं. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है रडार. तो रडार, सोनार बेसिकली शिप के लिए साउंड नेविगेशन में यूज किया जाता है, और रडार को हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट्स का पता लगाने के लिए. तो डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे देखते हैं. केल्विन इज यूनिट रिलेटेड टू, बेसिकली जो केल्विन यूनिट है, जैसे कि 273 केल्विन आपने सुना भी होगा, तो ये केल्विन यूनिट आपने किसके लिए सुनी है, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. और जल्दी से अपना आंसर बताएं. तो करेक्ट आंसर क्या है, तापमान, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फेरनहाइट. ये सब किसकी यूनिट है बच्चों, अगर केल्विन नहीं आया, फेरनहाइट आ गया, केल्विन आ गया या डिग्री सेल्सियस आ गया, तो यहाँ पर ये सब किसकी यूनिट है, टेम्परेचर नापने की, तापमान नापने की. तो केल्विन किसकी यूनिट हो गई, टेम्परेचर की. तो सी इज द करेक्ट आंसर. Which Indian scientist invented the crescograph which could measure growth and response in plant? तो बच्चों एक आंसर तो आपको यही मिल गया कि crescograph का क्या काम है, पेड़ों की ग्रोथ नापने का, कि ये पेड़ जो है रेस्पॉन्स, लाइव है, डेड हो चुके हैं, कितना बढ़ रहे हैं, उसकी ग्रोथ नापने के लिए एक इंडियन साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम रखा था crescograph. तो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट वैज्ञानिक कौन है, सी वी रमन, जे सी बोस, होमी बाबा या सुश्रुता. तो करेक्ट आंसर इज जगदीश चंद्र बसु. आप हिंदी में भी इनका चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी में भी पौधों में हम जब सेंसेशन नापते हैं तो इसका किसने इन्वेंट किया है, ये जगदीश चंद्र बसु, और इंग्लिश में जगदीश चंद्र बोस. तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं, डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम, जम्मू कश्मीर. तो बच्चों डाचीगम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी जे एंड के में, नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर. तो डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे देखते हैं, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन द स्पेस बाय रशिया, जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था. सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होती है बच्चों, जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है, जो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियली नेचुरल, कैसे? जैसे हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे कहते हैं मून, और फिर हमारी अर्थ पे से इंडिया ने भेजी थी कौन सी अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्यभट्टा। लेकिन सबसे पहले रशिया ने भेजी थी, और रशिया ने जो सैटेलाइट भेजी थी 1957, उसका क्या नाम है? आर्यभट्टा, अपोलो, रोफ्टर या स्पुटनिक 1? तो बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पुटनिक 1 सबसे पहले रशिया ने भेजी थी, यूएसए ने नहीं, रशिया ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी है अंतरिक्ष में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट इंडियन वुमेन, देख लेंगे अच्छे से, फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछी है बच्चों टू गो इन टू द स्पेस इन 1997। 1997 में हमारे भारत से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, राखी शर्मा, अरुंधति रॉय, मीरा कुमार, जो वापस आते हुए फिर जिनका एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक्सप्लोड हो गया था, तो वो कौन है हमारी? कल्पना चावला, ए इज द करेक्ट आंसर। अ प्लेस इन अमृतसर वेयर लार्ज नंबर ऑफ अनआर्म्ड पीपल डाइड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय जनरल डायर। जनरल डायर ने यहाँ पर निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवा दी थी अमृतसर में, तो ये जगह कौन सी? और बहुत ही फेमस जगह है, लोग आजकल यहाँ पर घूमने भी जाते हैं, अब भी वहां पर देखते हैं कि कुओं में लाशों को फेंक दिया गया था, रेड रेड ब्लड के पैचेस वहां दीवार पर देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी जगह है? विक्टोरिया मेमोरियल, नानकाना साहिब, जलियावाला बाग या शक्ति स्थल? तो ये क्या है बच्चों? अमृतसर में जलियावाला बाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है किसने चलवाई थी गोलियां? जनरल डायर ने। और अभी आरएमएस में भी आया था ये क्वेश्चन बदलकर कि जलियांवाला बाग में जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी वो किसने करवाई थी, तो जनरल डायर। तो सी इज द यहां पर करेक्ट आंसर हो गया, जलियांवाला बाग। पेरियर नेशनल पार्क बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यही है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है, कहां पर है? बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। तो कहां पर है पेरियर नेशनल पार्क? इज इन केरला, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरबन सभी हम पढ़ चुके हैं, किसके? जल्दापारा, सुंदरबन, ये सब कहां पर है? हमारे वेस्ट बंगाल में, तो केरला इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ जिम कॉर्बेट, 1936 से पहले जिम कॉर्बेट का नाम कुछ और है, तो यहां पर किस नाम से जाना जाता था? कैलिया देव, कैंपवेल, उत्तरकाशी या हेले नेशनल पार्क? तो बच्चों जिम कॉर्बेट को पहले उत्तराखंड में, आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। और इसको किस नेम से जाना जाता था? हेले नेशनल पार्क, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और एक आंदोलन का क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा आपके पेपर में, 7th क्लास में जरूर आएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस कब स्टार्ट हुआ था? तो डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, 8th अगस्त, तो ये हो गई डेट। अब आपको बताना है यहाँ पर ईयर, 40, 42, 45 या 47? तो बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर? 1842 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 1942 में, तो 8 अगस्त 1942 इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की राजगद्दी पर केवल और सिर्फ एक ही जो आज तक महिला बैठी है वो कौन है? रजिया सुल्ताना, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तो लखनऊ से हैं रानी लक्ष्मीबाई, आप जानते हैं कहाँ से हैं आपकी रानी लक्ष्मीबाई? झांसी से हैं। और रुकैया बेगम अकबर की वाइफ यहाँ पर, तो इसमें से जो सबसे पहले और पहली महिला और जो अपने अपने पिताजी के बाद जिन्होंने राजगद्दी संभाली थी वो थी आपकी रजिया सुल्ताना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली की पहली महिला जो राजगद्दी पर बैठी थी। डैश इज अ ग्लेशियर इन हिमालय फ्रॉम वेयर रिवर गंगा इज ओरिजिनेटेड। आपको पता है उत्तराखंड गंगा निकलती है हिमालय से, और लेकिन जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का क्या नाम है? यमुनोत्री, गंगोत्री, अरावली हिल्स या तिब्बतन प्लेट्यू? तो कहाँ से निकलती है? तिब्बतन से तो नहीं निकलेगी क्योंकि इंडिया की ओरिजिनेटेड रिवर है ये, ओरिजिन इसका इंडिया से है वो भी उत्तराखंड से, तो कहाँ से निकलती है गंगा? गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से, तो बी इज द करेक्ट आंसर, गंगोत्री ग्लेशियर से आती। Who is the lowest ranked air officer among these? यहाँ पर आपको air officers की rank दी गई है, और air force officer में जो सबसे छोटी rank होती है, wing commander, group का captain, flying officer या flying lieutenant, तो सबसे पहले आप aircraft man भी बनते हैं, और aircraft man किसका नाम है यहाँ पर? flying officer को ही, और उसके बाद lieutenant बनते हैं, तो यहाँ पर C is the correct answer, this is the lowest rank, नीचे की तरफ से चलेंगे तो ये सबसे lowest rank है जिनको aircraft man भी कहा जाता है, तो C is the correct answer। डॉक्टर अमृतिया सेन वोल नोबल प्राइज इन विच फील्ड, किस फील्ड में डॉक्टर अमृतिया सेन ने नोबल प्राइज जीता है? आई थिंक इन 1995 में इन्हें मिला था, किसके लिए? इकोनॉमिक्स, शांति के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लिटरेचर के लिए? तो ये किसके लिए जीता है डॉक्टर अमृतिया सेन ने नोबल प्राइज? इनको मिला है नोबल प्राइज अर्थशास्त्र, किसके लिए? अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने जीता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
विच एनिमल नेवर स्टॉप ग्रोइंग, इनमें से कौन सा जानवर कभी भी नहीं रुकता, बढ़ता ही रहता है अपने जीवन काल में? तो इनमें से लगातार बढ़ने वाला कौन सा जानवर है? जिराफ, स्नेक, क्रोकोडाइल या ब्लू व्हेल? तो कौन सा है बच्चों? बहुत सिंपल, स्नेक जो है लंबा हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज इन द भोपाल गैस ट्रेजिडी? भोपाल गैस ट्रेजिडी जब हुई थी तो इसमें कौन सी गैस एक्सीडेंटली निकल गई थी, जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे? बहुत ही पॉइजनस गैस यहाँ पर लिबरेट हो गई थी बाय मिस्टेक एक फैक्ट्री से, भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जिसको जाना जाता है। और वो गैस कौन सी थी? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट? तो दिस इज योर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर जो गैस लिबरेट हो गई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो डी द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? किस दिन मनाया जाता है? 5 जून एनवायरमेंट डे मनाते हैं, 7 अप्रैल, 7 जून या 11 जुलाई? तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हम एवरी ईयर मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बार्क ऑफ विश ट्री वॉज यूज टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर? किसी भी लिपि को लिखने के लिए कौन से पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता था जब तक कार्ल कार्ल यूंग ने पेपर की खोज नहीं की थी? तो चाइना से सबसे पहले पेपर की खोज हुई थी, जब तक पेपर की खोज नहीं हुई तो किस पेड़ की छाल पर हम लिखा करते थे? बर्च, पाइन, अकेसिया, नीम? तो बेसिकली संटी के पेड़ होते हैं, हिंदी में कहा जाता है संटी, और यहाँ पर बर्च, तो उस पेड़ का क्या नाम है? बर्च ट्री। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन यूपी सैनिक में बहुत आते हैं जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं। तो कौन से पेड़ की छाल पर लिखा जाता था? ये आपको दिख रहे हैं, इस तरह से सुखा ली जाती थी इनकी छाल और इन पर लिखा जाता था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, नॉर्थ इंडिया की आपको पता है सबसे लंबी नदी हमारी क्या है? गंगा, इंडिया की पवित्र नदी और सबसे लंबी भी है, 2525 किलोमीटर तक ये रन करती है। तो यहाँ पर महानदी इंडस, सरस्वती या गोदावरी? तो साउथ इंडिया की नदी, जिसको आप दक्षिण की गंगा भी कहते हो क्योंकि ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है ये? आपकी महाराष्ट्र और नासिक इसी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे लंबी नदी साउथ की, अप्रोक्स 1500 किलोमीटर तक ये चलती है, फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो गोदावरी डी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण गंगा भी जिसको कहा जाता है, पूछा जाता है बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार कि दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर? वो कौन सी बीमारी है जो कंटामिनेटेड मतलब पोल्यूटेड या गंदा खाना खाने या गंदा पोल्यूटेड पानी पीने से हो जाती है? मलेरिया, कॉलरा, डेंगू या फ्लेरिया? तो कौन सी डिजीज है बच्चों जो गंदा खाना खाने से हो जाती है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, मैं आपको बता देती हूँ। और कौन सा बैक्टीरिया इसको करता है? विब्रियो कॉलरे। तो आधा नाम तो अब आपको यही मिल गया, विब्रो कॉलरे बैक्टीरिया है जो इसको कोज करता है, जिसकी वजह से आपकी छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये आपको गंदा पानी जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो ये बीमारी कौन सी हो गई? कॉलरा, जिसको बेसिकली हम कहेजा भी बोल देते हैं, जिसमें वॉमिट हो जाती है बहुत ज्यादा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज आपका कितना स्कोर है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अभी आपके 8 मॉक और इंतजार कर रहे हैं, और ये 8 मॉक में जिसमें हम एवरी मॉक में हम आपको यहां पर 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, और 10 मॉक आपको यहां पर मिलेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में बहुत आराम से 40+ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे अच्छा चांस, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को रखो करके प्रेस, क्योंकि डेली आपको ये वीडियो मिलने वाली है, और जीके की इससे अच्छी तैयारी कोई और नहीं करा सकता। तो चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट मॉक में। थैंक यू एंड बाय बाय।